देखो यारो, अपना फंडा तो सिंपल है। एक ही लाइफ है, मजे में जीने का, मजे में रहने का। और मजे से याद आया अपना यूट्यूबर चाय वाले का। तो चाय पीनी है तो फिर आ जाओ उधर तलोड़ा की दुकान पे। अब बताती हूँ एड्रेस, जरा गौर से सुनना यारो। GF 132 गौर सिटी सेंटर, ग्रेटर नोएडा में है सब इंतजाम। तो निकाल के थोड़ा सा टाइम पीने आ जाओ चाय वाले यूट्यूबर की चाय शाय, क्योंकि चाय पे ही तो होती हैं बातें हाई फाई। वेलकम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपका मेज़बान जीशान कादिर। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं सरहदी कस्बा टंगमर्ग के कुंजर इलाके में और आज हम आपको यहां पे कुछ लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं विदाउट मास्क यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, कहीं हम आते इसने लिए है। हमने कोरोना की जो सेकेंड लहर है उसको भी हमने लाइट लिया था। ये आप कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है विदाउट मास्क यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। सुनने में भी ये भी आ रहा है कि जो श्रीनगर का इलाका है वहाँ पर सरकार ने जो है दुकानें बंद की है। वो वजह यह है कि वहाँ पे जो लॉकडाउन की स्थिति है वो नाफिस की गई है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन जो है अब कश्मीर में स्टार्ट हो चुका है। अगर हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से आपको अपडेट करेंगे, उससे अपडेट यह है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जो है एक तरफ ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई कल से की गई है, वहाँ से ये भी कहा गया है कि कल से महकमे मौसमियात ने यह भी प्रेडिक्शन किया कि कल से कश्मीर में एक मरतबा फिर से स्नोफॉल का स्पेल है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। लोग जो है विदाउट मास्क विजिट कर रहे हैं। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के कस्बे बारामूला के कुंजर इलाके में हैं। कुछ विजुअल्स आप अगर खुद भी देख सकते हो यहाँ पे, तो लोग जो है विदाउट मास्क यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से भी जानेंगे कि उन्होंने मास्क को वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों के जेब में मास्क होती है लेकिन पहनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कोरोना इतना बड़ा जहरीला वायरस है, इससे बचने के लिए लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेफ्टी के लिए मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। कैमरामैन आमिर के साथ मैं जीशान कादिर, एशिया न्यूज़ इंडिया।